हाय दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों? आज हम जाएंगे मेट्रॉइड की खोज पे, चलो चलते हैं। कल रात मैंने एक टूटता तारा देखा था जो इस नदी के पास आके गिरा था। ये है ब्यास नदी। चलते हैं आगे और करते हैं नहीं। तो बहुत ही पत्थर है यहाँ पे, ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो मेट्रॉइड गिरा कहाँ पे? तो ऐसा करते हैं, देखते हैं कहीं पे आग तो नहीं लगी है, जला हुआ हो कहीं पे मिट्टी में, क्योंकि जब इतनी ऊपर से कुछ गिरेगा तो वो बहुत गर्म होगा और कुछ असर तो पड़ेगा आसपास। पर इस नदी में ढूंढना तो बहुत मुश्किल है एक मेट्रोराइट को। मुझे एक पत्थर दिखा तो है, देखा जो हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी गोल पत्थर दिखता तो वो मेट्रोराइट नहीं होगा। तो ये हो सकता है मेट्रॉइड, क्योंकि आप देख सकते हो इसके बबल पड़े हुए हैं। ये एक मेट्रॉइड है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आयरन है इसके अंदर, जो कि जंग खा के लाल हो चुका है। और देखो, इसे मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये है मेट्रॉइड और आप देख भी सकते हो इस पे बबल पड़े हुए हैं। जब ये धरती में एंटर कर रहा था, हम मैग्नेट टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ी सी मैग्नेट को लाइट करते हैं। ये एक्सपेक्टेड है। चलो और देखते हैं कुछ और मिल जाए। हाँ, यहाँ पे मछलियाँ भी होंगी। एक पत्थर और मिला। मुझे इस पत्थर को साथ लेके जाना है। यह मेट्रॉइड।
जो खदान से पत्थर निकलते हैं या धरती से पत्थर निकलते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि अगर मैग्नेट चिपक रही है तो ही वो मेटराइट। मैं इसे तोड़ के देखता हूँ। इसे मैं तोड़ के देखता हूँ। टूट ही नहीं रहा। इधर मारता हूँ, टूटना तो चाहिए। ये तो टूट ही नहीं रहा, तो मैं इसे साथ लेके चलता हूँ और लैब में टेस्ट करवाएंगे इसका। देखते हैं आगे क्या होता है। शाम भी हो चुकी है और नदी का बहाव किसी वक्त बढ़ भी सकता है, तो यहाँ पर अब ज़्यादा समय तक रहना खतरे से खाली नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए इस बदलते मौसम में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।